अंतरिक्ष से निकला है, एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में, एक एनर्जी नहीं सारे हीरोज हुए हैं जमा, बचाने अर्थ को, बचाने अर्थ को, एलियंस को चाहिए कोको बीन्स जो है बड़ा कीमती, वो तेजी से है आ रहे, हम कैसे भला ये सहे, तो हमें चाहिए रक्षक जो बचाए अर्थ को। एपिसोड में आपने देखा, थैंक यू सो मच यिंग, है ना? यू आर वेलकम। बोबो बॉय, क्या तुमने ऑटोबॉट, ये तुम्हें हर बार देखते ही बेहोश क्यों हो जाता है? बोलो भी। छह महीने पहले एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो तुम ये जल्दी नहीं बोल सकता था? ऐसे कैसे तुम्हें याद नहीं है? हाँ, क्या तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है? लगता तो यही है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे पास सुपर पावर्स कहाँ से आए, पर ऑटोबॉट को मैंने पहले कहीं देखा है। सुनो, तुम हमेशा ऑटोबॉट को छिपकर देखा करते थे ना? मतलब तुम जासूसी भी करता है? तुम अपना मुँह बंद क्यों नहीं रखते? हाँ हे, बस करो तुम दोनों। तुम्हें ऑटोबॉट को घर ले जाना चाहिए बोबो बॉय, इसे आराम की जरूरत है। ओके। तुम लकी है कि बोबो बॉय यहाँ था, अगर वो नहीं होता तो हम तुम्हें बहुत पीटता। क्या कहा तुमने? अब तो तुम गए। बचा। बेचारा ऑटोबॉट। आखिर बात क्या है ऑटोबॉट? कोई मेरा पीछा कर रहा था बोबो बॉय। पीछा कर रहा था? कौन था? मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये तो मुश्किल है, अब मुझे क्या करना चाहिए? 7 घंटे बाद। आप पिछले 7 घंटों से घूम रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है बॉस? और क्या, मैं उस बोबो बॉय के बारे में सोच रहा हूँ। लगता है कोई बोबो बॉय को मिस कर रहा हूँ। मैं उसे मिस क्यों करूँगा, मैं उसे हराने के लिए आइडिया सोच रहा हूँ। पर उसे मिस करने में क्या बुराई है? तुम्हें पता नहीं क्या, हम दूसरे सीजन में है, मैंने दर्जन भर एपिसोड्स में उसे हराने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ, मेरे आइडिया सूख गए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? आपने कहा आपके आइडिया सूख गए हैं, तो मैंने गीला कर दिया। मुझे पता है बुबू बॉय को हराने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, तो बताओ क्या है तुम्हारा आइडिया? अब क्यों ना हम रिसाइकिल करें बॉस?
रिसाइकल, उसका क्या मतलब है? ओह बॉस, यही होता है जब आप क्लास में ध्यान नहीं देते। आप ना समझ ही रहे। एक बार फिर से बोलना। कुछ नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो जल्दी। तुम दिन में कितने बॉटल पानी पीते हो? कितनी बॉटल, जल्दी बताओ। पांच। पांच, गुड। और फिर पानी पीने के बाद खाली बॉटल का क्या करते हो? फेंक देता हूँ, और क्या। क्या तुम्हें पता नहीं है ना समझ बच्चे, अगर तुम्हारी तरह और 10 बच्चे ऐसा करने लगे तो हर दिन 50 बॉटल्स फेंकी जाएंगी। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? परवाह क्यों करूं? यही तो प्रॉब्लम है तुम आजकल के बच्चों की। मैं तुम्हारा बॉस हूं। तू जरा दिमाग लगाओ, अगर 100 लोग रोज बॉटल फेंकेंगे, 1000 लोग, लाख लोग, सोचो अगर 600 करोड़ लोग हर दिन बॉटल फेंकना शुरू कर दें, तो तुम उन बॉटल्स को बिछाकर चांद तक जा सकोगे। इसलिए हमें इन सभी बॉटल्स को रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए। समझ गए ना बच्चों? मेरा स्टूडेंट कितना अच्छा है। मैंने तुम्हारी बात मानी, फिर भी तुमने मुझे मारा। ओ नहीं, सॉरी स्टूडेंट, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली बॉटल, चांद, इन सब का रिसाइकलिंग से क्या लेना देना है? ध्यान से सुनिए, हमें इन सभी बॉटल्स को रिसाइकल करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अर्थ पर खाली बॉटल्स फैल जाएंगी। क्या, तो तुम चाहते हो कि हम सभी बॉटल्स वापस इस्तेमाल करें? बस बॉटल ही नहीं बॉस, पेपर बॉक्सेस, मेटल टायर्स और दूसरी चीजें भी। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कौन सी एलियन भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? पहले बॉटल्स, फिर बॉक्स और अब टायर। ओ बॉस, शॉर्ट में कहूँ तो रिसाइकल का मतलब है इस्तेमाल की गई चीजों को फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाना। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अब बात समझ में आई। तो ये कैसी रही? इसका रिसाइकल से क्या लेना देना? ये भी रिसाइकलिंग है, तुम पर हमेशा एक ही मग फेंकना। आप कुछ कुछ समझ रहे हैं। ये रिसाइकलिंग का आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे पैसे भी बचेंगे और मुझे तुम पर ढेर सारे मग नहीं फेंकने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बॉस, एक मग काफी है। कंप्यूटर, ये सभी मग दुकान पर भेज दो और मेरे पैसे वापस ले आओ। ठीक है बॉस। वाओ, यही तरीका है बॉस, इससे बचत होगी। रुको, पर रिसाइकलिंग और बोबो बॉय को हराने का क्या कनेक्शन है? बताता हूँ बॉस, क्यों ना हम एक पुराने आइडिया को फिर से इस्तेमाल करें बोबो बॉय को हराने के लिए। पुराना आइडिया? जी बॉस, आपका फेवरेट बोबो बॉय एपिसोड बताइए। मेरा फेवरेट है एपिसोड 11 पहले सीजन का। इसके बाद बोबो बॉय कभी एक नहीं हो पाएगा और उसकी याददाश्त हमेशा के लिए खो जाएगी। ओ अच्छा, तुम्हें क्या लगता है उसकी याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी? मैंने कहा हमेशा के लिए। ए, तुम बच कैसे गए? साइक्लोन स्फीयर। मैंने करीब करीब बोबो बॉय को हरा ही दिया था। मुझे भी वो पसंद आया, मुझे लगता है कि आपको वो आइडिया रिसाइकल करना चाहिए। दिमाग खाली हो गया क्या? फैंस को बाद में पता चली जाएगा ना कि हमने वो आइडिया फिर से इस्तेमाल किया। कोई बात नहीं, उन्हें पता भी नहीं चलेगा बॉस, उन्हें तो ये भी नहीं पता चला कि अब मैं पिंक हो गया हूँ। मैंने सही कहा ना? एकदम सही कहा, मैंने भी नहीं देखा। बढ़िया प्रो, बहुत बढ़िया। बचाओ बोबो बॉय! बोबो बॉय एलिमेंटल स्प्लिट! इतना शोर क्यों हो रहा है, वो भी सुबह सुबह? मैं शोर कर रहा हूँ, मदद के लिए तो तुम चिल्ला रहे थे। क्या, मैं तुमसे मदद मांग रहा था? ओ हाँ, सपने में फैंग ने मुझे किडनैप कर लिया था।
रोबोट्स भी सपने देखते हैं? हाँ, ये सपना नहीं है तो और क्या है। हो सकता है कि ये तुम्हारी पुरानी यादें हो। मेरी यादें? तो इसका मतलब फैंग बुरा है? ऐसा मत कहो, शक करना बुरी बात है। पहले हमें पता लगाना होगा। लगता है फैंग बुरा है, उसने ऑटोबॉट को पकड़ लिया था। हाँ, हमको पता था वो ही ऑटोबॉट को कुछ कर रहा है। हाँ, फिर वो भूलने का नाटक करता है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है फैंग पर इल्जाम लगाने के लिए? और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? उसका शक्ल देखो, ये देखो, ये देखो, उसका चेहरा ही विलेन के जैसा है। गोपाल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऑटोबॉट ने ही ये सब कहा, वो भला क्यों झूठ बोलेगा। देखो वो आ रहा है, वो आ रहा है। तुम रुको बोबो बॉय, इसको तो हम संभालेगा। ऐसे क्या दिख रहा है? तुमने मुझसे पैसे लिए थे? नहीं, पर तुमने तो लिए थे। हम कल दे देगा, कल पक्का देगा। हे, तुमने ऑटोबॉट को किडनैप किया था? हाँ, और तुमने उसे पावर्स देने के लिए फोर्स किया और वो बेहोश हो गया। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अनजान बनने का नाटक कर रहा है। ऑटोबॉट के सपने में तुमने उसे पकड़ लिया था। वो बस एक सपना था, हम क्यों झगड़ रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों ना करूं मैं? वो सपना ऑटोबॉट की पुरानी याद का हिस्सा हो सकता है। सही कहा। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम्हें उसकी पावर्स की क्या जरूरत पड़ गई? अब हम ऑटोबॉट का अच्छा कैसे करें? अगर हम तुमको पैसा ना दे तो चलेगा? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे सच बताओ। हे, तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? मुझे गुस्सा दिला रहे हो। नहीं, तुम बहस कर रहे हो। मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ऐसे कितने अच्छे लग रहे हो, अब झगड़ा मत करना। Hey, बबू बॉय, क्या तुम सुन रहे हो? ये तो अडोडू है। जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी स्कूल बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। हे, हम बुरा था ना, पढ़ाई जरूरी है, स्कूल से छुट्टी मारना बुरी बात है। मैं जानता हूँ कि तुम सॉरी बॉस। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आपको घास पर नहीं चढ़ना चाहिए बॉस, मिस्टर पापा सोला नाराज हो जाएंगे। घास की किसे पड़ी है बॉस? आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। पापा बॉय, सामने आओ पापा बॉय। हे, मैं यहाँ पर हूँ। हाँ? मैं भी यहाँ हूँ। तुम नहीं सुधरने वाले, तुम भी बुरे हो। तुमने ऑटोबॉट को किडनैप किया। बुरे तुम हो, तुम मुझ पर बिना प्रूफ के इल्जाम लगा रहे हो। बुरे लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। बस करो, इस कहानी का बुरा कैरेक्टर मैं हूँ। हे, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम सबको इस इमोटिव वाइप पिस्टल से शूट करने आया। इमोटिव वाइप पिस्टल? पहले तो ये एक्स था ना। केमिकल इमोटिव एक्स पुराना फॉर्मूला था और ये है इमोटिव वाइप पिस्टल। अब आती है एक नए फॉर्मूला के साथ, जो है बड़ी, जो है बेहतर। सारी पिस्टल्स अलग अलग मिलेंगी। बस एक बार शूट करके मैं जीत जाऊंगा। प्लीज, जैसे कि हमें बचना नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आता होगा। पर देखो, टीचर आ गई। कहाँ? शूट करो बॉस। कुछ मिनट बाद। हमको कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। हे, वो टिन का डिब्बा कहाँ गया? गायब हो गया क्या? आपने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया बॉस? बच्चों को खत्म कर दूं? क्या? किस लिए? बच्चों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। रुको, एक मिनट, कौन हो तुम और तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया? अरे नहीं, मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। झूठ मत बोलो, मेरे बॉस कभी बुबू बॉय को जाने नहीं देते। ए, रुको, पहले मुझे अपनी बात पूरी तो करने दो। मेरे बॉस की बॉडी से भाग जाओ। बस करो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? मैंने कहा चला जा यहाँ से। अडूडू को क्या हो गया था? कुछ तो अजीब है, मैंने सही कहा ना? हाँ, लगता है उसका पिस्टल खराब हो गया होगा। एक्चुअली वो मुझसे डर गया। तुम
हमारे पीछे आना बंद करो। हाँ, कहीं और जाकर खेलो, परेशान मत करो। अब मैंने क्या किया? उसे लगता है अडूडू उससे डर गया। हे, लगता है फैंग अडूडू से जाकर मिल गया होगा। हाँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि तुम बुरे हो, तुमने अडूडू की तरह ऑचोबॉट को किडनैप किया। हाँ, मैंने नहीं किया। तुम्हें कैसे पता किया या नहीं? तुम्हारे और ऑचोबॉट के बीच जो हुआ वो तुम्हें याद नहीं है ना? देखो उसे पता है। यही है प्रूफ। हाँ, है ना, फैंग को पनिशमेंट दो। है ना, कहाँ चला गया? ये क्यों इतना हंस रही है? क्या हो गया उसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे वो ओ नहीं, ये सब शायद असर है इमोटिफाई पिस्टल का। तू ये ऐसे काम करता है? है ना लाजवाब, इन्हें छोड़ देना मेरे खुराफाती प्लान का एक हिस्सा था, ताकि मैं आराम से इन्हें परेशान होते देख सकूं। वाह, आप तो बड़े क्रूर निकले बॉस। मैं विलन हूँ, मेरा क्रूर होना मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। आप खतरनाक है और स्मार्ट भी है बॉस। कंप्यूटर, मुझे उनका परेशान होना बड़े स्क्रीन पर देखना है। ठीक है बॉस। आओ आराम से बैठ कर उन्हें परेशान होता देखे। ये लीजिए बॉस। यिंग, क्या तुम ठीक हो? अब हमारा क्या होगा? क्या हो गया तुम्हें गोपाल? कितने डरावने लग रहे हो। क्या बात है, उसे डर का इमोशन महसूस होगा। क्या बात है बॉस, बहुत अच्छे। और हेना क्या महसूस करेगी? हंसती रहेगी, वो किसी भी चीज पर हंसेगी। क्या हो रहा है? फैंग, उस पर खुशी का जादू छाया है। अब कुछ नहीं होगा, अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। बॉय, उदास और निराश। और गोपाल अकड़ू और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है। तुम मानो या ना मानो, हम सब खाली हाथ जाएंगे। मौसम कितना सुहाना है। अब तुम सब खत्म होने वाले हो। शर्म की बात है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उनकी हालत और खराब होती जाएगी और फिर वो सब कुछ भूल जाएंगे हमेशा के लिए। ये, आइए अपनी जीत का जश्न मनाएं। नहीं, अभी नहीं। ये मेरे मास्टर प्लान का सिर्फ पहला कदम है। सिर्फ पहला कदम? हाँ, अब आओ मेरे साथ, हम दूसरा कदम लेना शुरू करते हैं। चलो चले। तो अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, बस सिर में दर्द हो रहा है। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और जाकर मेरी बाइक के पास आराम करो। पर मैं मदद कर सकता हूँ दादूलाल। कोई बात नहीं, बोबो बॉय को आने दो, मैं उससे सारे काम करवा लूँगा। बोबो बॉय अब तक आया नहीं? ओ घबराओ मत, वो आ जाएगा। पर टाइम तो देखिए दादूलाल, बहुत देर हो गई है। दादूलाल, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। क्या हुआ बोबो बॉय? हमेशा के लिए अलविदा, अब कुछ नहीं हो सकता दादू। मजाक कर रहे हो क्या? अपनी आंखें बंद करो चुबोट। क्या हुआ दादूलाल? अडूडू कितना क्यूट है, उसने इमोटिव पिस्तौल से हम पर शूट किया। शूट किया? क्या, कौन शूट करना चाहता है? क्या हो गया है तुम सबको? क्या हुआ? आउच! दादूलाल सुनिए, मिस्टर गोपाल को ड्रिंक चाहिए। अब मैं क्या करूं? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? इधर आओ, जल्दी आओ, चलो इसके बारे में बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा दादू, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम
तुमने देखा ना ऑटोबॉट, ये सब कैसा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मैं कैसे देख सकता हूँ दादूलाल, मेरी आंखों पर तो पट्टी है ना। सही कहा तुमने। हाँ, शांत हो जाओ, आराम से। हम डिस्कशन करेगा, उसके बाद करेगा फोटो सेशन। हाय, ये कितना कूल है। कूल होना काफी नहीं है। मेरे पास बताना। हम है कूल, स्टाइलिश और हैंडसम। बस बहुत हो गया, फोकस करो।